एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के मेरे नए ब्लॉग में। आज है सृष्टि और मैं अभी कोलकाता में हूँ। इस बार ना दुर्गा पूजा में बहुत बारिश हो रही है। जब से हम आए हैं तब से ही बारिश हो रही है, मतलब घर से निकलने से पहले सोचना पड़ रहा है। और अभी भी जब हम घर से बाहर निकले ना तो बारिश ही हो रही थी। और ये भीगते भीगते हम पहले पंडाल के अंदर आ चुके हैं। ये बहुत ही सुंदर इस बार का पंडाल है, काफ़ी अलग तरीके का है, बहुत ज़्यादा सुंदर। और माँ दुर्गा की प्रतिमा तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो सबसे पहले हम इसी पंडाल में आए हैं और बाहर थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, मौसम सही नहीं है इसलिए भीड़ भी थोड़ा कम है, इसलिए हम लोग अच्छे से पंडाल दर्शन कर ले रहे हैं। फिर उसके बाद हम इस पंडाल से बाहर निकल रहे हैं और अब हम जा रहे हैं दूसरी तरफ। लोग देखिए छाता लेकर के देख रहे हैं और हम तो छाता भी लेकर के नहीं आए हैं, तो मैं बस ऐसे ही काम चला रही हूँ। और बाहर से आप पंडाल देखिए कितना सुंदर है, बिना छतरी के हम लोग पंडाल देख रहे हैं और बारिश हो रही है, भीग रहे हैं। इसका भी अपना एक अलग मजा है। बारिश की वजह से देख सकते हैं आप पूरी सड़क खाली है और रोड लाइट भी बंद है, वरना ये ऐसी जगह है ना कि यहाँ पे सिर्फ लोगों की भीड़ होती है। और हम दूसरे पंडाल पे आ गए हैं। यहाँ पे ना इतना ज़्यादा पानी हो गया था कि पैर रखते ही डर लग रहा था। और मौसम आप देख सकते हैं पीछे कितनी ज़ोर से बिजली कड़क रही है और भीड़ बहुत ही ना के बराबर है। और ये पंडाल ना बहुत ज़्यादा सुंदर बना था, लेकिन इस पंडाल के बीच बीच में से कहीं कहीं से पानी आ रहा था शायद। और यहाँ पे अभी षष्ठी पूजा शुरू होने वाली, क्योंकि इस बार ना बारिश की वजह से पूजा कई सारे पंडालों में बहुत लेट शुरू हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आज फर्स्ट डे की पूजा शुरू करने वाले हैं, तो उसकी सारी तैयारियाँ चली। और ये पंडाल काफ़ी अलग लगा मुझे हर बार से। और इस बार मूर्तियों का जो थीम है ना वो भी बहुत ही डिफरेंट देखने को मिला, मतलब हर बार की तरह, मतलब इस बार ऐसा नहीं है, कुछ अलग ही है, सबका कुछ हटके इन्होंने इस बार किया हुआ है। और काफ़ी सुंदर मतलब व्यू था देखने। मौसम की हालत आप बीच बीच में देख रहे हैं कि पीछे कैसे बिजली दिखाई दे रही है बीच बीच में, मतलब मौसम सही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग घर से निकल रहे हैं क्योंकि भीड़ कम है तो लोग निकलेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी तेज़ वाली बिजली यहाँ पे कड़की थी। यहाँ पे हम काफ़ी देर तक थे, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, काफ़ी देर तक हमने सब कुछ देखा यहाँ पे। जा रहे हैं तीसरे पंडाल की ओर। ये देखिए बाहर से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है और आप सड़क पे देख सकते हैं कि कुछ लोग, अब सड़क पे भीड़ थोड़ी थोड़ी हो रही है क्योंकि लोग निकल रहे हैं। और अब हम इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं अंदर से कैसा बना है। बाहर से तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में, और अंदर जाने के बाद मतलब जैसे लग रहा था कि हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए, मतलब कुछ अलग फील हो रहा था, क्या मैं नहीं बता सकती, बट डिफरेंट है। तो इस तरह से कुछ अंदर का देख सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा लाइटिंग की वजह से क्लियर नहीं आया, सब कुछ ब्लू ब्लू बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा था। तो इस तरह से कुछ बना हुआ है और वहाँ पे माँ दुर्गा की प्रतिमा है। और अभी पूजा ही हर पंडाल में हो रहा है क्योंकि आज षष्ठी वाले दिन यहाँ पे पूजा शुरू हो रही है, तो अभी यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो रही है। ये पंडाल देखने के बाद ना हम चले जाएंगे सीधे मामी है उनके यहाँ, और वहाँ पे थोड़ी देर रुक के फिर वहाँ से हम निकलेंगे। और अभी हम मामी के घर से निकल चुके हैं, इनको भी लेना था, तो अभी 11 बज रहे हैं। हम आ गए एक और पंडाल देखने। ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है बाहर से, और अंदर से देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो चलिए अंदर से देखते हैं कैसा बना है। ये ना हर बार यहाँ पे कुछ डिफरेंट ही होता है, इस बार भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर पंडाल इन्होंने बनाया है। चलिए अंदर चलते हैं। अंदर आप देख सकते हैं ऊपर जो पानी पूरी का जो प्लेट होता है ना, छोटा छोटा कटोरी, ऊपर उसका डिज़ाइनिंग था, अभी मैंने आपको दिखाया था। और माँ दुर्गा की प्रतिमा बहुत सुंदर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पंडाल की ओर। और आप ना वीडियो में पूरा बने रहिएगा और बताइएगा आपको कौन सा पंडाल सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मुझे सारा ही पंडाल अच्छा लगता है, मतलब इतना अलग यूनिक बनाते हैं ना कि मतलब बस मन खुश हो जाता है। इस पंडाल को देखने के बाद ना बस एक ही चीज़ निकल रहा था कि वाह कितना खूबसूरत है, सब कुछ इतना सुंदर था इसके अंदर कि बस मैं आपसे बता नहीं सकती। आप बस देखिए और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। सामने से तो ये बहुत सुंदर था और माँ दुर्गा की जो मूर्ति थी बहुत ही खूबसूरत थी।
फिर हमने एक और पंडाल देखा और इसके बाद ये था लास्ट पंडाल और अभी बज रहे थे रात के 2:30। इसके बाद मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी चलने की, मैं बाहर ही बैठ गई थी। मैंने बोला आप सब जाइए और मैंने बाहर से हाथ जोड़ लिया। तो आज की वीडियो में यहीं तक।